आज हाईकोर्ट से तकरीबन 2 बजे के करीब हाईकोर्ट के जो 74, 75 और 76 नंबर का ऑर्डर 7 अक्टूबर को हुआ था और हम लोगों को बड़ी बेसब्री से ऑर्डर का इंतज़ार था, आज करीब 2 बजे ऑर्डर अपलोड हुआ। उसके बाद से हम लोग काम काज शुरू किए सॉल्वेंसी के साथ, जामीन का अरीजा जो उसका प्रोसीजर है वो एडवोकेट तौसीफ वकील और उनके साथ में उनके अहबाब जो थे वो एडवोकेट खालिद, एडवोकेट नईम, एडवोकेट आमीन, इन्होंने मिलकर तकरीबन 20 जामीन के अरीजे जो रजिस्ट्रार के पास उसका जो मंजूरी रहती है वो ले लिया है और कल जो है सब अरीजों को एक साथ सेशन कोर्ट के कुरुलकर साहब के सामने बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कोशिश ये है कि कल के कल सब लोगों की बेल हो जाए और तमाम ही लोगों का पाकिट बन जाए और वो हो जाने के बाद हम जो है शनिचर के दिन कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों की रिहाई मुमकिन हो सके। अगर कोई क्यूरी नहीं आई कल कोर्ट में किसी और के मामले में और सब लोगों के पेपर कोर्ट के सामने सही जांच करने के बाद मंजूरी मिल गई तो शनिचर को आ जाएंगे। अगर किसी में कोई क्यूरी आ गई, कुछ आ गई तो एक दो एतवार भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मगर हमारी कोशिश यह है कि शनिचर को तमाम ही लोगों का बेल हो जाए। इस मामले में अव्वल दिन से एडवोकेट अजीम खान साहब और उनकी टीम जो है मुसलसल इस काम में लगी हुई थी और आज भी जो है सबसे ज़्यादा जामीन के अरीजे मंजूर एडवोकेट अजीम खान साहब की ही टीम ने की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अरीजे हमारे पास थे, हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन हमारे पास था तो काम भी सबसे ज़्यादा हमारे पास था, मगर उसके बाद भी इन्होंने 2 बजे के बाद ऑर्डर आने के बाद भी शाम तक सभी अरीजे लगभग उसके टेक्निकल यानी आम जबान में बोलूँ टेक्निकल जो मंजूरी होती है वो ले ली। और इस मामले में सॉल्वेंसी बनाने में हमारे इस्माइल मास्टर जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की और कोई चार्ज नहीं लिया, जो ओरिजिनल फीस लगी है वही ली गई है, उन्होंने खुद के मेहनत का कोई चार्ज नहीं लिया। ये बात है कि 12 नवंबर के मामले में मालेगांव शहर में सभी लोगों ने, जहां वकला ने, जहां दूसरे लोगों ने, सभी लोगों ने एक हमदर्दी का जज्बा रखते हुए कौम मिल्लत का काम किया। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कौम मिल्लत के नाम पे अपने दिल में एक हमदर्दी रखी और उस हमदर्दी के नाम से ही सब लोगों ने काम किया, क्योंकि हमको लगता था कि यार सॉल्वेंसी में बहुत वक्त लगेगा, रुपया पैसा लगेगा, मगर इस्माइल मास्टर ने वो काम भी हमारा आसान कर दिया, जल्दी भी कर दिया और रुपया पैसा भी कुछ अलग से खर्च करने की नौबत हमको नहीं आई। फैयाज अहमद नाम है, वो जब से सेंट्रल जेल में गया है वो अव्वल दिन से वो दिमागी तौर पे पागल खाने में ही उसे रखा गया है, जो अंदर का हॉस्पिटल का जो मेंटल हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर। मैं जब जेल में था तो वो अकेला मुझसे ही कुछ बातचीत कर लिया करता था, बाकी वो किसी से बात भी नहीं करता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि कोई मामला हुआ उसके ताल्लुक से, तो सुपरिटेंडेंट ने मुझे मेरे सर्कल से बुलाया कि यार वो फैयाज का कुछ मामला है, तुम जाके उससे बातचीत करो। ये जुल्म की इंतहा थी पुलिस की कि ऐसे लोग जो दिमागी तौर पर भी सही नहीं थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। आज 11 महीने से थे, उनके घर वाले उसके पास हमने कई मरतबा रابطہ करने की कोशिश की, मगर वो रابطے में उनका घर जाते थे मगर वो लोग कांटेक्ट नहीं करते थे। अभी फारूक मेमन साहब ने उनकी बेल लिए हैं, उनका भी अभी हम उनसे बात करके क्या उनकी जामीन के लिए कोशिश करना है वो करेंगे। उनके चाचा मेरे पास अभी हाईकोर्ट से बेल होने के बाद उनके चाचा मेरे पास आए थे, उस वक्त ये बात मालूम हुई कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया है फैयाज अहमद की, और वालिद जो है वो घर पर ध्यान नहीं देते ऐसा उनके चाचा ने बताया, इसलिए वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, मगर उनके चाचा ने बोले कि यार तुम उनको उन्हें रिलीज़ करवा दो, रिहाई दिलवा दो, हम उनको मेरे घर लेके चले जाएंगे, उनके चाचा ने ये बोला है। तो हम लोग बोले यार ठीक है, हम लोग के सामने भी ये सवाल था कि हम उनको छुड़ा भी देंगे तो उनको कहाँ लेके जाएँ, तो उनके चाचा ने बोला है कि यार मैं लेके जाऊँगा, तुम उनकी रिहाई करके मेरे पास दे दो। तो उनके चाचा हमारे रابطے में आए और एक बच्चा और रह गया है आसिफ गोल्डन। अब कल हम लोग जो है अजीम खान साहब के थ्रू अब फारूक मेमन साहब से बात करेंगे और वो एक बच्चे की जामीन भी कल रख देंगे, अगर कल उसमें कोई रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह पीर मंगल तक वो भी आ जाएगा। उनके घर वाले जो है उनको आखिर तक समझा ही नहीं कि हाईकोर्ट में उनकी जामीन किसी ने रखी नहीं। 15-20 दिन पहले अजीम खान और हम लोग शान जेल में मुलाकात के लिए गए तो उनके माँ बाप मिले
उस वक्त तो उन्होंने कहा कि कोई और तंजीम का नाम लिया कि उस तंजीम ने रखा है, तो हम बोले यार नहीं, उस तंजीम ने नहीं रखा है, या तो बेल हमने रखा है या राष्ट्रवादी की तरफ से कुछ लोगों की रखी गई है, तुम उनसे रब्ता कर लो अगर उनके लोग रखे होंगे। मगर फिर वो बाद में मेरे पास आया और बोले कि नहीं वो भी नहीं रखे हैं। तो वकील पत्र पे साइन ला कर दिए, हम हाईकोर्ट में लेकर भी गए, मगर उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी थी कि वकील ने ये मशवरा दिया कि ये जुलाई में सब मैटर एक साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन हाईकोर्ट में फाइल हुए थे। अब अगर अपने एक के लिए और बोलेंगे कनेक्ट करो और उसमें और तारीख दे दिया, आगे दिवाली भी है, तो थोड़ा सी रुक जाओ, अब जितना है इतना हो जाने दो। अब ये हो गया है और अजीम खान साहब भी बोले कि अब नीचे से ही जामीन हो जाएंगे, बस वो आखिरी बच्चे की भी जामीन कल रख के इंशाल्लाह दो चार दिन में हो जाएगा उसका भी। कोई चेहरा या कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको अब फिलहाल में जमानत की जरूरत तकरीबन सभी की हाँ, जिनकी नहीं हुई है वो रबते में, उनके लिए कोशिश में बताया, जैसे आसिफ गोल्डन की वकील पत्र वगैरह सब रेडी है, फारूक मेमन साहब या अजीम खान साहब के थ्रू कल के कल दाखिल कर देंगे।